तो भाई ये जो गाड़ी खड़ी है ना भाई, इसे देखो यार, इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसे हर आदमी लेना चाहता है इंडिया में इस टाइम, और वेटिंग पीरियड चल रहा है 1.5 साल 2 साल। और Z8 मॉडल तो अब मिल रहा है, बट ये जो आपके सामने वेरियंट खड़ा है Z4, ये अब मिलना स्टार्ट हुआ। और Z2 तो भाई आप भूल ही जाओ, आप ले ही नहीं सकते। हेलो गाइज, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। मेरा नाम है राहुल भाटी, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, आज मैं आपको दूंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z4 वेरिएंट की कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो भाई, स्कॉर्पियो में जो है आपको 4 या 5 वेरिएंट मिलते हैं। आपको Z2, Z4, Z6 और Z8 और Z8L, मतलब 5 वेरिएंट जो है वो टोटल मिलते हैं आपके। ये जो आपके सामने Z4 वेरिएंट है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला जो वेरिएंट है ना भाई, वो यही है। ये भाई हैं अपने, विकास भाई स्कॉर्पियो में बैठे हैं, सॉरी XUV700 में इनकी गाड़ी है। कल परसों ही डिलीवरी ली है भाई। तो एस शोरूम प्राइस जो है भाई इसका, वो है 14,24,000 रुपये। और ऑन रोड जो है पड़ रही है भाई, वो पड़ रही है 16,70,000 रुपये की, 70 से 80,000 रुपये के बीच में। विकास भाई का मन था भाई डीजल लेने का, बट मिल नहीं रही थी तो भाई फिर काम चलाना पड़ा पेट्रोल में ही। और ब्लैक कलर लेने का मन था, अब वो भी नहीं मिला तो भाई सिल्वर लेनी पड़ी। मतलब वही है कि स्कॉर्पियो एंड ले तो ली, बट थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आपको 200 हॉर्स पावर और 370 Nm का जो है वो टॉर्क निकाल कर देता है। तो अब मैं जो आपको फ्रंट से डिटेल्स देनी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी की, आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या जो है नहीं मिलेगा। सबसे पहला फ्रंट में देखोगे तो भाई यहाँ पर मिलते हैं आपको हेलोजन हेडलैम्प, जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें प्रोजेक्टर वगैरह जो मिलते हैं। यहाँ पर आप क्रोम फिनिश देख सकते हैं, ये रहा आपको सिल्वर फिनिश जो है वो आपको ग्रिल में दी हुई है। बीच में आपका महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है। कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह फ्रंट में नहीं मिलते हैं, ना ही कोई कैमरा वगैरह जो है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर फॉग लैंप वगैरह भी जो है वो आपको नहीं दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। बाकी नीचे की तरफ जो आपको एयर डैम दिया हुआ है फ्रंट में ही। साइड प्रोफाइल से आप देखोगे भाई तो साइड प्रोफाइल से यहाँ पर आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं अपोलो के टायर जो वो आपको दिए हुए हैं, और टायर जो हैं वो आपको मिलेंगे 70 इंचेस के। व्हील आर्चेस को आप देख सकते हैं किस तरीके से फिल आउट करता है। सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको MacPherson सस्पेंशन मिल जाएगा, और आपको मिल जाएंगी डिस्क ब्रेक्स। यहाँ पर आपको ORVM दिया हुआ है विद LED टर्न साइड इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपका फुटरेस्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो आपको गाड़ी में नीचे की तरफ मिलती है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करेगी आपका। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दी हुई है भाई ब्लैक कलर की रूफ रेल्स गाड़ी में, ये देखिए ब्लैक कलर की रूफ रेल्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और DEF वगैरह तो पेट्रोल में डलता ही नहीं है। लेंथ की मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो इनकी लेंथ जो है वो है आपकी 4.66 मीटर, विड्थ जो है वो है 1.91 मीटर, और हाइट जो है वो है 1.85 मीटर। ये जो है 7 सीटर है, इसमें जो आपको 6 सीटर का भी ऑप्शन मिलेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है स्कॉर्पियो इनकी वो है आपकी 187 mm की, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो वो अच्छी खासी मिल जाती है आपको 187 mm की। व्हील बेस जो है वो भी आपको 2.75 मीटर का व्हील बेस मिल जाता है गाड़ी में। तो आइए मैं आपको बूट खोल कर दिखा देता हूँ। चलो पहले पीछे की डिटेल देता हूँ, फिर आपको बूट खोल कर दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटिंग लाइट, डिफॉगर्स, आपको वाइपर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल दिया हुआ है बूट खोलने के लिए। स्कॉर्पियो एन का बैज, और यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है महिंद्रा का लोगो। नीचे की तरफ आप देखोगे जहाँ पर आपको फॉग लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपको दिए हुए हैं 4 पार्किंग सेंसर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपकी स्टेपनी जो है वो भी विजिबल है। स्टेपनी का जो टायर है वो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये 7 सीटर है तो स्पेस जो है वो नहीं बचती है। साइज की बात करूँ तो टायर का साइज जो है आपको मिलता है 17 इंचेस का है। तो मतलब जो अंदर का स्टेपनी का जो टायर है वो सेम है वही जो बाहर जो आपको टायर मिलेंगे। तो आइए हम आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा दिखता है, यहाँ पर बस एक डोर हैंडल दिया हुआ है जैसे देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ 1-2 बैग रखने की बूट स्पेस दी हुई है, और तो यार यहाँ कुछ है नहीं। बाकी आपको सीट फोल्ड करनी है तो यहाँ से आपको इसे ऐसे खींचना है और आप जो है फोल्ड कर पाओगे सीट्स को। इंटीरियर में आपको दिखाऊं तो पैसेंजर डोर जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर जो है आपको इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है, विंडो का कंट्रोल दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको वाटर बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो बैक सीट में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, और आप जो है ये देखिए हो गई आपकी सीट फोल्ड। तो सीट जो है वो थोड़ी गंदी हो रखी है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
तो मैं अब आ चुका हूँ महिंद्रा था स्कॉर्पियो इनकी बैक सीट पे। ये देख लीजिए स्पेस, मतलब लेग रूम स्पेस मैं दिखाऊं भाई आपको। तो ऐसी लेग रूम स्पेस जो वो आपको दी हुई, थोड़ी बहुत ही लेग रूम स्पेस है यार, इसमें लेग रूम स्पेस है ही नहीं, बस ये है कि एक बच्चा बैठ के, दो बच्चे बैठ के यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको कुछ स्पेस दी हुई है, एक 12 वोल्ट 120 वोल्ट का ओपन चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, इस तरफ आपको स्पेस दी हुई है, तो यही मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको दो एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कार में, और आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट दी हुई है। तो मैं आ चुका हूँ सेकंड रो में भाई। ये सीट जो है ना वो आपको फैब्रिक मिलती है, ये जो कवर जो है वो डलवाए हुए हैं, ये देख लीजिए सीट का जो कवर है वो कुछ ऐसा है, अंदर से ब्राउन कलर की मतलब सीट्स मिलती हैं आपको। बाकी आर्मरेस्ट जो है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए आर्मरेस्ट गाड़ी का, जिसमें कि आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आर्मरेस्ट में जो है आपको दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं। आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं गाड़ी में, आपको एक छोटा हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि नॉन एडजस्टेबल है। बाकी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी हुई है, आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी जो है वो आपको दी हुई है। बीच में सीट्स का कंफर्ट ठीक है यार, इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट इस आर्मरेस्ट का मतलब कुशनिंग जो है ठीक है, एवरेज सी है। यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स दिए हुए हैं, आपको ब्लोअर का कंट्रोल और आपका एक टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट। स्पेस जो है नीचे काफ़ी है, तो मतलब तीनों पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, इस तरफ भी ग्रैब हैंडल जो वो आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर दी हुई आपको कैबिन लाइट, LED कैबिन लाइट जो है वो आपको दी हुई है। तो यही चीज़ आपको मिलती है गाड़ी में पीछे की तरफ। तो आइए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर। ड्राइवर डोर जो है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है मैट फिनिश में, चारों विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, विंडो लॉकर दिया हुआ है, लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया हुआ है, ORVM की एडजस्टमेंट दी हुई है। यहाँ पर जो है आपको वाटर बॉटल होल्डर दिया हुआ है और कुछ स्पेस दी हुई है सामान वगैरह रखने के लिए। तो ड्राइवर सीट जो वो आपकी कुछ ऐसी दिखती है, ये देख लीजिए मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है आपको, और ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है आपका इंटीरियर कार का। तो यहाँ पर जो है आपको 3-spoke स्टेरिंग व्हील दिया हुआ है, लेदर फिनिश जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है आपको टच स्क्रीन कंट्रोल दिए हुए हैं, बीच में महिंद्रा का बैज दिया हुआ है, और इस तरफ जो है आपको दिए हुए हैं भाई क्रूज कंट्रोल और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक वाइपर जो है वो नहीं मिलते हैं आपको, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर्स, और इस तरफ जो है आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिए हुए हैं भाई आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट में टैकोमीटर दिया हुआ, राइट में जो आपको ऑडोमीटर दिया हुआ, बीच में दी हुई आपको MID, ठीक है। MID में इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, सेटिंग्स, नो वार्निंग, ट्रिप ए, यहाँ पर आप देखोगे तो एवरेज इको स्कोर, AFE, DTE। बाकी इंजन मॉर्निंग लाइट जो है वो आपकी चारों तरफ फैली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी देख लीजिए। तो ये टच स्क्रीन मिलती है आपको गाड़ी में, का टॉप वेरिएंट है, उसमें जो टच स्क्रीन आती थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो है आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, मेन्यू में आप देखोगे तो मीडिया, रेडियो, इको सेंस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, फोन, कार इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स, ये कुछ ऐसी आती है जैसे कि पहले महिंद्रा की गाड़ियों में आती थी। XUV300 में जो है टच स्क्रीन है वो कुछ ऐसी आती है, तो वही जो है आपको कुछ उस तरीके के डिस्प्ले में जो है यहाँ पर मिलती है। बाकी सेटिंग्स में आप देखोगे तो साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इको सेंस, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं। दोबारा से जाएं तो इको सेंस और फोन, कार इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, पेट्रोल में आप देख लीजिए 7.1 किलोमीटर की जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी, अभी ये दिखा रहा है गाड़ी बिल्कुल जो है वो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपको टच स्क्रीन के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए आपको AC के कंट्रोल्स, और यहाँ पर जो है आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, चार पांच डमी बटन्स दिए हुए हैं, हैजार्डस लाइट के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको 2 USB के सॉकेट दिए हुए हैं, एक ऑक्स का सॉकेट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपको स्कॉर्पियन लिखा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग पैड जो वो नहीं मिलता है, फोन वगैरह जो आप अपना रख सकते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक के साथ भी जो आपको Z4 मिलेगा। 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक दी हुई है कार की, आर्मरेस्ट दिया हुआ है, आर्मरेस्ट में स्पेस दी हुई है, ये देख लीजिए, और आर्मरेस्ट जो है वो ठीक वाइड है बट एडजस्टेबल जो है वो आर्मरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। इंटीरियर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल तो देखो यार नहीं मिलता,
बट जो टॉप वेरियंट है उसमें यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, ये बस ऐसे दिखाने के लिए सॉफ्ट टच मटेरियल लग रहा है। बाकी ये ग्लव बॉक्स दी हुई है, ग्लव बॉक्स में आप स्पेस देख सकते हैं, ठीक ठाक स्पेस जो आपको ग्लव बॉक्स में मिलती है गाड़ी के। और कूल ग्लव बॉक्स जो आपको दिया हुआ है, तो इसे करते हैं बंद। यहाँ पर आपको इनसाइड आयर बीम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ आपको सनवाइजर, इस तरफ भी आपको सनवाइजर दिया हुआ है, वैनिटी मिरर दोनों ही तरफ नहीं मिलता है। और ये दिया हुआ आपको सनग्लास होल्डर, यहाँ पर लाइट वाइट का कोई कंट्रोल नहीं है, बस छोड़ा हुआ है सब कुछ। ये लाइट मैंने आपको दिखा ही दी है। तो भाई ये हो गई डिटेल्स जो थी वो मैंने आपको सारी दे दी, बस सेफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। और स्पीकर जो है भाई वो आपको चार मिलने वाले हैं गाड़ी में। सेफ्टी की मैं बात करूँ तो भाई आपको मिलेगा ABS, दो एयरबैग्स, और आपको मिलेगा EBD, क्रैश सेंसर्स, और आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट। यही फीचर जो है वो आपको सेफ्टी में मिल जाते हैं, और आपको मिल जाते हैं चार पार्किंग सेंसर्स। तो ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो N का Z4 वेरिएंट। तो कैसी लगी आपको, क्या आपको वैल्यू फॉर मनी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई वीडियो।